अच्छा साइशा, सबसे मिलवाओ हमको. हाँ जी, मेरे तीन मम्मा हैं और तीन पापा हैं. क्या? एक मेरी मम्मी, एक मेरी चाची मम्मी जिनको मैं छोटू माँ बुलाती हूँ, और एक मेरे दादी अम्मी जिनको मैं अम्मी बुलाती हूँ. Oh, how sweet. Chachi mummy, dadi mummy, mummy mummy. और फिर? और ये मेरे पापा. हाँ जी. ये मेरे चाचू पापा और ये मेरे दादू पापा. नमस्कार. देखो, वैसे तो साइशा बहुत प्यारा बच्चा है, ये हमारा बहुत शैतान बच्चा है. ये हमारे परिवार की दादी अम्मा है. ये सबको समझाएगी, सबको बताएगी ऐसे करो वैसे करो, और शैतानियां भी पूरी करती है. वो तो हम लोग ने देख लिया, वो बहुत बड़ी दादी अम्मा है. यहाँ भी हम लोग इसको दादी अम्मा ही मानते हैं. ये आज भी हमें यही बता के आई है कि चाचू ऐसे आना है, ऐसे बोलना है, अच्छे से रहना है, ये करना है. मैंने कहा आप हमें लिख के दे दो, फिर हम बोलेंगे. मैं मैम अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट फील करती हूँ. मैं खुद एक पहाड़ी लड़की हूँ, मैं देहरादून को बिलोंग करती हूँ. ओके. बट मेरी शादी पंजाबी फैमिली में हुई है. यहाँ पे आके मेरे को जो प्यार और बोलते ना मोहब्बत जो मिली ना, उसने मेरे को ओपन अप किया है. बिकॉज हम पहाड़ी फैमिलीज थोड़े से दबे हुए होते हैं, इतने ज़्यादा खुले नहीं होते. जब मैं इस फैमिली में आई शादी होके, तो अरे पंजाबी फैमिली का तो पता ना सब. बिल्कुल बिल्कुल, दिल खुला हुआ रहता है उनका बहुत. बिल्कुल मैम, बिल्कुल. जो प्यार प्रॉब्ली मैं डर के आई थी कि मुझे एज अ बहू एडजस्ट करना पड़ेगा, पता नहीं कैसे कर पाऊंगी या नहीं. जब मैं इस फैमिली में आई तो मॉम डैड उन्होंने जिस खुले दिल से मेरे को एक्सेप्ट किया, उन्होंने ऐसी बहू शायद हम खुद ढूंढते हैं तो हमें नहीं मिलती. वो इतनी प्यारी है, हमें अपनी बेटी से ज्यादा प्यारी है. क्या बात है, क्या बात. और ये छोटी सी साइशा है ना, जब से आई हुई है मैं ना, मेरे को बिल्कुल बहुत मिस करती हूँ इसको. ऐसे लगता है कार की रौनक चली गई है जहाँ से. आप लोगों का ये प्यार देखकर बहुत दिल खुश हो गया, और आप लोगों का प्यार ऐसा ही बना रहे हमेशा. थैंक यू. एक मिसाल है, आप लोग की पहाड़ी लड़की आई है पंजाबी फैमिली में, और कितना आप लोग में आपस में लगाव है और प्यार है. कमाल है, बहुत अच्छा है. अच्छा एक बात बताओ साइशा, तुम्हारे फैमिली में एक नया सदस्य जुड़ा है, ऐसा कुछ आदित्य बोल रहा था. तो वो क्या कोई गुड न्यूज आने वाली है, ऐसा कुछ है? हाँ, वो पवन भैया. पवन भैया? पवन भैया कहाँ से आ गए मैम? अच्छा पवन भैया की बात आई तो ये उठ गई. बात करनी. पवनो, तुम गुड न्यूज दे रहे हो और हमें बताया नहीं. ऐसे कुछ गुड न्यूज नहीं है. क्या बात है बाजी. जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे कैप्टन पवनदीप पहाड़ों से हैं और बहुत शांत है, तो मैंने सोचा कि पंजाब में लोग बहुत खुले दिल के होते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं, एकदम खुले होते हैं वो लोग, तो क्यों ना उनको एक हफ्ता वहाँ भेज दिया जाए और वो एकदम अच्छे से थोड़ा सा अगर खुल सके वो वहाँ जाके थोड़ा सा एंजॉय कर सके. तो फिर खुले कि नहीं? मैम बहुत अच्छा लगा मुझे वहाँ पंजाब जाके, और बहुत बहुत प्यारे लोग हैं और बहुत ज़्यादा खुशी हुई. बस खाना बहुत ज़्यादा खिलाया, मतलब ऐसा लगता है कि दो हफ्ते का खिला दिया, और उसकी कुछ झलक है मैं आपको दिखाना चाहूँगा. वाओ जी, देखिए जरा. क्या बताऊं सर, दो इतना ज्यादा खिला दिया कि मतलब दो साल तक अब कुछ खाने की जरूरत नहीं है लग रहा है.
जब वो गए थे वो पवनदीप राजन थे, जब वो वापस आए तो वो पवनदीप राजमा हो गए। मैम मैं एक और बात कहना चाहूंगी, हमारी पूरी फैमिली ने उन्हें भंगड़ा भी सिखाया है। पवनू को भंगड़ा सिखाया, एक हफ्ते पंजाबी फैमिली का हिस्सा बनकर आए हैं पवनू, और भंगड़ा नहीं सीखा तो क्या फायदा। आइए पवनू। राजा मियां छोड़ो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, राजा मियां छोड़ो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी, इश्क न चढ़े कुछ भी बल्ले हो गए तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले हो गए तू बल्ले बल्ले हो जाएगी बल्ले बल्ले। जोरदार तालियां। क्या सीखे हैं पवनू, क्या बात है। अरुणिता तुमने पवनू को जॉइंट फैमिली में भेजा ताकि वो थोड़ा खुल जाए। जी। तो मेरा आसान सा सवाल ये है कि क्या वो खुला? थोड़ा थोड़ा हो रहा है धीरे धीरे। सर वो जितना भांगड़ा गया था वो पूरा ही खुला हुआ था मेरा तो, मतलब मेरे हिसाब से। साइशा अगली बार और अच्छे से तैयार कर देना। हाँ। साइशा आप अच्छा सा गाना सुनाओ। Okay. पवन के पटाखे से साइशा गुप्ता और सोएब अली। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।